सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज उज्जवल सिंह और आज हम बात करने वाले हैं S21 FE की, जो कि आपको अंडर 30,000 देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेल में। ठीक है, तो वीडियो मतलब शॉर्ट होने वाली, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी वीडियो नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में, तो जैसे S20 FE था वैसे ही S21 FE इन्होंने बनाया, लेकिन इन्होंने 21 जो सीरीज थी उसको कॉपी किया थोड़ा डिजाइन को। तो इसका डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है आपको एज कम्पेयर टू S20 FE। 5G 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती थी, जो कि आपका 20 FE में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती थी इन हार्श लाइट, तो ये प्रॉब्लम आपको S21 FE में देखने को नहीं मिलती है। एंड बिल्ड क्वालिटी में सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, जो कि एक गोरिल्ला ग्लास विक्टस आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है विद एल्युमिनियम फ्रेम। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की ओवरऑल, तो काफ़ी अच्छा बिल्ड आपको एक देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ में। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में मीन्स अगर आप मल्टीमीडिया लवर हो, तो आपको कहीं से कहीं तक भी कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। आपको जो डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड करते हैं, और यहाँ पे आपको बेस भी अच्छा देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ में। एंड मैं अगर कैमरा की बात करूँ, तो 20 FE से ही अपग्रेड अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो मेन और अल्ट्रा वाइड सेंसर था वो 12 MP का था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपेरेबल है S20 FE के साथ में। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर आपको देखने को जो मिला है, जो कि आपको टेलीफोटो लेंस जो इन्होंने यूज किया इन पोर्ट्रेट शॉट्स, जो कि आपको 20 FE में देखने को नहीं मिलता था, तो S21 FE में इन्होंने ये काम करके काफ़ी अच्छा कर दिया। मींस अगर आप इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे देखोगे ना, 30,000 में आपको इससे अच्छा कैमरा ना किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलने वाला है। चाहे आप पिक्सल की बात कर लो, चाहे आईक्यू की बात कर लो, नथिंग की बात कर लो, वन प्लस की बात कर लो, कहीं से कहीं तक भी आपको जो है इससे अच्छा कैमरा अंडर 30,000 आपको किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो है फ्रंट में 32 MP का कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको दोनों को स्विचिंग भी कर सकते हो, और बहुत सारे फीचर आपको One UI की वजह से देखने को मिल जाते हैं इन कैमरा। तो कैमरा की अगर हम बात करेंगे, तो बात करने की जरूरत है ही नहीं, मीन्स यहाँ पे वर्ल्ड क्लास वाला कैमरा है इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। इसके अलावा कनेक्टिविटी में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एडिशनल अगर हम फीचर की बात करेंगे, तो वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, NFC सारे सपोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं इन दिस पर्टिकुलर फ़ोन। और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ जो है, आपको One UI का जो सॉफ्टवेयर है ना, बहुत ही क्लीन है, मीन्स आपको कोई भी लैग, जिटर्स, हैंग, कुछ तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। एंड अगर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, तो अभी Android 13 के साथ में One UI 5.1 का अपडेट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन के साथ में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर की, तो One UI इज़ दी वन ऑफ दी फाइनेस्ट, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि फाइनेस्ट UI आपको देखने को मिलता है इन एंड्रॉयड मार्केट। एंड अपडेट साइकिल की अगर हम बात करेंगे, तो एंड्रॉयड 11 के साथ में ये रिलीज़ हुआ था, तो 12, 13 आ चुका है, 14 का आपको अपडेट और देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद में एक साल की और सिक्योरिटी पैच तक देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको अगर हम बोलें कि 2025 तक आपको जो है अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी इस फ़ोन के साथ में आज के टाइम पे भी। बैटरी लाइफ की बात करेंगे, तो 4500 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि एवरेज बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाती है, मीन्स 5 से 5.5 घंटे का आपको स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाता है। और अगर आप जो है बहुत ही मतलब नॉर्मल लाइट यूजर हो, तो 6 घंटे तक भी आप इसको खींच के ले जाओगे। लेकिन यहाँ पे बस एक ही ड्रॉबैक आपको देखने को मिलता है, जो कि 25W चार्जिंग स्पीड के साथ में आता है मैक्सिमम, और आपको चार्जर भी बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। पुराने फोन्स में 15W का चार्जर ये फिलहाल दे देते थे, लेकिन अब तो ये वो भी नहीं देते हैं, तो ये चीज़ आपको एक फिलहाल देखने को मिलेगी इस फोन के साथ में। एंड एक्चुअली ये फोन ज़्यादा मीन्स फेमस इसलिए नहीं हुआ, ज़्यादा लोग इसलिए नहीं खरीदे, बिकॉज ऑफ द Exynos 2100 जो इसका प्रोसेसर आता है, वो मतलब थर्मल्स उसके इतने अच्छे नहीं है, तो ये चीज़ है। फिलहाल फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन ये हीट इतना हो जाता है ना, तो आपको जो है कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगने लगती हैं। मतलब आप गर्म फ़ोन पकड़ते हो तो लगता है यार बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है इस फ़ोन के साथ में। तो फिलहाल ये फ़ोन उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, गेमिंग वेमिंग नहीं करनी, हैवी टास्क नहीं करने हैं, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, तो आप शूटिंग कर सकते हो इस फ़ोन से। एडिटिंग आप किसी और फ़ोन से कर लो या लैपटॉप से कर लो, अगर आप वीडियो शूटिंग की अगर बात कर रहे हो, आपको यही फ़ोन चाहिए अंडर 30,000, बहुत अच्छा कैमरा चाहिए, तो आप शूटिंग इस फ़ोन से करो, बिल्कुल बेशक करो, लेकिन आप जो है एडिटिंग इस फ़ोन से ना करो, एडिटिंग आप जो है किसी और फ़ोन से कर लो या फिर लैपटॉप से कर लो, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन गेमिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो गेमिंग के मामले अगर हम बात करेंगे, तो ये फ़ोन गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है। कैजुअल गेमिंग आप कभी कभी कर सकते हो, लेकिन परमानेंट गेमर्स के लिए ये फ़ोन बिल्कुल नहीं बना है, ठीक है।
तो फिलहाल ये जो एवरेज यूजर है डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे काम करते हैं, व्हाट्सएप मीडिया वीडिया कंजप्शन छोटा मोटा करते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया पैकेज है। और जिनको कैमरा से प्यार है, कैमरा बहुत अच्छा चाहिए, तो आप जो है आंख बंद करके इस फोन के साथ में आज भी जा सकते हो, ठीक है। अंडर 30,000 इट इज दी बेस्ट डील आउट देयर इन दी मार्केट राइट नाउ। तो फिलहाल ये कुछ इस तरह का छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।